Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss about the preparation of bleaching powder by two methods, Hazen-Clever method and Beckmann's method. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें मेन जो प्रोसेस होता है उसमें हम यूज़ करते हैं एक्शन ऑफ क्लोरीन और स्लेक्ड लाइम, दोनों का जो है वो रिएक्शन होता है और ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पे देखें, CO2 के साथ रिएक्ट करती है, CaOCl और H2O यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब दो मेथड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, Hazen-Clever मेथड एंड Beckmann मेथड। Hazen-Clever ओल्ड मेथड है, Beckmann जो है वो न्यू मेथड है। एग्जाम में दोनों ही आ जाते हैं, Hazen-Clever के ऊपर भी नोट लिखे या Beckmann मेथड के ऊपर भी। तो आप जो दोनों में से जब भी आए तो मैंने आप जो है वो डिटेल इसके साथ शेयर की है कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। ये हमारे यहाँ पे हम क्लोरीन का जो है प्रिपरेशन का, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन का मेथड देख सकते हैं। ये जो है ये अपरेटस है, कौन सा अपरेटस है, ये Hazen-Clever मेथड है जिसके ज़रिए से हम प्रिपेयर करते हैं। ये आयरन का आपको यहाँ पे सिलेंडर शो हो रहा है और ये ऊपर से ये होपर है, यहाँ से जो हम अपना जो है मटेरियल पोर करते हैं। ये एक फैक्ट्री का डिज़ाइन है, इसके अंदर हम इस आयरन कंटेनर के अंदर हम अपना मटेरियल पोर करते हैं। दैट वन इज़ अ होपर, होपर से स्लेक्ड लाइम जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्राई हमने लेना है। नीचे यहाँ पे देखें, ये 6 to 8 तक जो है वो डिफरेंट प्लेट्स लगी हुई हैं और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो है वो स्टीरर्स लगे हुए हैं जो इन्हें मिक्स कर रहे हैं। नीचे से यहाँ से जो है वो क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस की जाती है, ये क्लोरीन ऊपर से लाइम स्लेक्ड लाइम आ रहा है जो कि पाउडर फॉर्म में है और नीचे से क्लोरीन जो है वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके जो है इसकी प्रिपरेशन में हम ऊपर से जो है वो हॉट एयर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, जब ये क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक्ड लाइम है। तो यहाँ से देखें CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है और वाटर भी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम नीचे कलेक्ट कर लेते हैं। अब इस वाटर को रिमूव करने के लिए ऊपर से हॉट एयर जो है वो इंजेक्ट की जाती है, यहाँ से देखें हॉट एयर इंजेक्ट की जाती है ताकि ये वाटर उसके साथ रिएक्ट कर जाए और बाकी जो क्लोरीन जो रिएक्ट नहीं की उसको भी हम वापस जो है ऊपर देखें, ये अपवर्ड राइज करती है, आपको नज़र आ रही है जो अनयूज्ड क्लोरीन और वाटर थी उसको हम रिमूव। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये Hazen-Clever प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करते हैं। ये कंसिस्ट करता है 4 हॉरिजेंटल सिलेंडर्स के ऊपर जिनमें हम जो है 4 हॉरिजेंटल आयरन के सिलेंडर्स हैं, इसके थ्रू जो है हम ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करते हैं। अब ऊपर से यहाँ पे भी क्या किया जाता है, Hazen-Clever प्लांट्स में क्या क्या होता है, होपर होता है जो कि इनलेट है जहाँ से स्लेक लाइम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे नीचे से देखें इनलेट होता है क्लोरीन के लिए और यहाँ पे इनलेट है जो कि वेस्ट गैसेस को रिमूव करने के लिए है। ये वाला होपर है जहाँ से हम स्लेक लाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ से वेस्ट गैस है, यहाँ ये जो है हॉरिजेंटल सिलेंडर, ये वाले जो आपको नज़र आ रही हैं ये हॉरिजेंटल सिलेंडर हैं जिन्हें एक दूसरे से हमने कनेक्ट किया हुआ है। इंटर कनेक्ट करने के बाद इनके अंदर स्टीरर्स लगाए जाते हैं जो कि रोटेट करते हैं और इस मटीरियल को मिक्स करते हैं। यहाँ ऊपर से जो है वो स्लेक लाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, होपर के थ्रू ये देखें स्लेक लाइम फिल होता जा रहा है, फिर ये पूरा जो है इस तरह से यहाँ से होके हर कंटेनर के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर हम क्लोरीन गैस को इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये देखें पूरा इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब रिवॉल्विंग ब्लेड्स क्या करेंगे कि वो रिवॉल्व करते रहेंगे, ये देखें ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से घूमते आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले जो है ये देखिए ये रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व करने से ये 4th सिलेंडर तक आसानी से स्लेक्ड लाइम जो है वो चला जाएगा उसके अंदर। अब यहाँ पे क्लोरीन जो थी वो नीचे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो नीचे से करवाएंगे तो ये अपवर्ड राइज करेगी, अपवर्ड राइज करने से ये आपस में इन दोनों का रिएक्शन होगा और ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो जाएगा।
अब इससे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इसे हम सेपरेट कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो ये था गैजन क्लेवर मेथड। वहाँ पे आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होता है। स्लेक लाइम CaOH ट्वाइस जो कि Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, और CaOCl2 दैट इज़ द ब्लीचिंग पाउडर साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका रिएक्शन था जो कि हम किस तरह से इसके हैजन क्लेवर मेथड या बैकमैन मेथड दोनों से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर है वो येलो वाइट कलर का पाउडर होता है। उसकी स्ट्रॉन्ग कलोरीन की स्मेल होती है। आपने कभी देखा होगा कपड़ों को ब्लीच किया जाता है उस स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, वाइट कपड़ों को ज़्यादातर हम करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। CaOCl2 जो है जब हम इसको वाटर में से पास आउट करते हैं तो ये कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये जो हाइपोक्लोराइड आयन बनते हैं ये हाइपोक्लोरस एसिड भी बनाते हैं जब हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब CaOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, यहाँ से कैल्शियम आयन सल्फेट से रिएक्ट करेंगे, Ca2SO4 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। और साथ में ये हमारे पास जो ClO बचा था एसिड हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, H पॉजिटिव और ClO नेगेटिव पर रिएक्ट करके HClO बना देंगे हाइपोक्लोरस एसिड। अब हमें पता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो यहाँ से जितनी क्लोरीन हम रिलीज होगी उतनी ही हम उसकी पावर को मेजर कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रेंथ क्या है। नॉर्मली हमारे पास जो है वो अवेलेबल 35-40% तक हमें मिलती है क्लोरीन जो कि ब्लीचिंग पाउडर की पावर को इंडिकेट करती है। अब क्योंकि जो अगर हम इसका एग्जेस्ट में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं तो सारी क्लोरीन बनती है, क्योंकि कैल्शियम क्लोरीन के साथ तब रिएक्ट नहीं कर पाता वो क्लोरीन जो है वो सारी, क्योंकि सारी कैल्शियम यूज़ हो जाती है सल्फेट के साथ रिएक्ट करने में क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में होता है और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास के जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। अब हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये वाली कैल्शियम ने इस Cl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन बच गया, हमने कहा था ये ऑक्सीडाइज करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर देगी और ये क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि ये ऑक्सीडाइज करता है। अब नेक्स्ट देखें कि हमने कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज करता है। अब अमोनिया के अंदर भी देखें NH3 है, यहाँ से भी क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा N रह जाएगा, अब N अकेला एग्जिस्ट नहीं करता जो कि N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। N2 आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर और देन CaCl2 प्रोड्यूस हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaCO3 और बाकी क्लोरीन यहाँ पर CO3 बन जाएगा और क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर के कुछ रिएक्शंस। इसके अलावा क्लोरीन के जो है ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्लीचिंग पाउडर को जो है हम इस बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को क्लोरीन प्रिपेयर करने के लिए, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए, क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा ये एज ए डिसइंफेक्टेंट एक्ट करता है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए जो है हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर वाटर्स में जो जर्म्स होते हैं इनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लिनन और पेपर पल्प की भी इसे ब्लीच करने के लिए, यानी कि पेपर पल्प देखें ब्राउन से कलर का होता है, वुड से बनाया जाता है पेपर तो वो थोड़े ब्राउनिश कलर का हो जाता है, उसमें कलर रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉटन या लिनन के ऊपर यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे फैब्रिक्स जो जिनको ये डैमेज करता है, बहुत सारे कपड़ों के ऊपर लिखा होता है कि इसके लिए यूज़ ना करें, उनसे उन पे इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्रेड को डैमेज भी कर सकता है। तो आज के लेक्चर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।